कहना है कि बातों बातों में कर दे इजहार। अब बातों बातों में कर दे इजहार कैसे भला? वो इस तरह कि जैसे आप सफ़र में हों, जा रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, और कोई नॉर्दर्न एरियाज या कहीं ऐसे कोई फार्म वार्म, कोई विलेज वगैरह में कोई सैर के लिए जाएं, और लंबा सफ़र आपसे कटे ना, तो टेलीनॉर टॉक शॉप आपका सफ़र आसान कर देता है। वो इस तरह कि जैसे अगर आपके मोबाइल पे एकदम से कॉल आ जाती है आपकी किसी बहन की, या फिर आप कर लेते हैं अपने बच्चों को कॉल, या भाइयों को, फ्रेंड्स को, चाचा को, नाना को, दादा को, दादी को, किसी को भी कॉल कर लेते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं, तो वक्त का पता नहीं चलता। गप्पेबाजी में जो होता है ना टाइम, उसका बिल्कुल भी नहीं पता चलता, क्योंकि आपका सफ़र अच्छा गुजर जाता है ना बातों में। और टेलीनॉर टॉक शॉप आपकी ज़रूरत को बहुत अच्छी तरह समझता है, बहुत समझदार है, इसीलिए वो लेकर आया है ये पैकेज जिसमें आप फ्री कॉल्स कर सकते हैं कहीं पर भी मुल्क भर में। जी, ये टेलीनॉर टॉक शॉप के लिए तालियां बज रही हैं। तो कॉल्स बिल्कुल फ्री हैं, जितनी मर्जी कीजिए, एंजॉय कीजिए। और आज का सवाल भी है टेलीनॉर टॉक शॉप की तरफ से कि आपके पार्टनर की कौन सी बात ने आपका दिल चुरा लिया, आपके पार्टनर ने कौन सी ऐसी बात से आपका दिल चुरा लिया, ये सवाल भी दिया हुआ है टेलीनॉर टॉक शॉप ने। बातों बातों में है इजहार, क्या बात है टेलीनॉर टॉक शॉप की। भाई आप हमें कॉल्स करें, आज हमें बहुत सारी बातें करें हमसे भाई, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बैठे हुए। आपके साथ कभी हुआ है कि आप सफ़र में हों, आपके पास फ़ोन आ जाए, आप कॉल कर लें तो रास्ता कट जाए, या फिर फ़ोन वोन पे बात नहीं करती हैं, रास्ते में बस सो जाती हैं, या क्या किस तरह से गुजारती हैं? लंबी लंबी बातें अच्छी नहीं लगती। क्या करती हैं? म्यूज़िक सुनती हूँ। आहा, बस ज़्यादातर तो म्यूज़िक सुनती हूँ सफ़र में, सोती नहीं हूँ मैं। वैसे आप क्या मतलब मोबाइल पे आईपॉड या फिर आईपॉड को यूज़ करती हैं ज़्यादातर? नहीं नहीं, वो गाड़ी का जो है उसी के। अच्छा, गाड़ी के, इस तरह से। और ज़्यादातर ट्रैवलिंग आप कहाँ करती हैं, आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा करती हैं या फिर? मिला जुला, ज़ाहिर है एक फनकार जो है उसको तो आपको पता है, हम समझते हैं कि हम तो मजदूरी कर रहे हैं ना, और जितना सफ़र और मेहनत हम लोग करते हैं और जितने नाजुक फनकार होते हैं उतना सख्त काम लिया जाता है हमसे। हाँ, ये तो है, बड़ा मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा होता है फनकारों को। एक कॉल भी हुमैरा के साथ ले लें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिजा? हुमैरा की दुआएं, ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं अभी। ऐसे में फील हो रहा है की आप शायद किसी एरोप्लेन से अभी निकली। बस आज हमने सिर्फ जहाज की जो है ना सारे, और मैं पता ये सुनना चाह रही थी आज मुझे क्या, मैं होस्टेस लग रही हूँ। नहीं, वाकई बहुत जबरदस्त लग रही हैं, बहुत अच्छा शो लेके जा रही हैं, और गेस्ट जो आपने इतनी बड़ी हमारी संगीता जी और की लेजेंड लेकर आई है ना, तो उससे तो शो जो है वो बहुत खिला खिला लग रहा है ना। बहुत पूछना चाहेंगी संगीता जी से भी और हमारे गेस्ट से? जी, मैं उनसे भी बात करूंगी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी जी जी, सबसे पहले तो ये कि इंसान अपने दोस्त को जब भी किसी को भी दोस्त बनाए, हाँ, तो उसके लिए तो अपने दिल के एक ऐसे कोने में उसकी तमाम खामियां और बुराइयां या जो कमी है वो उसको रख ले। अच्छा। क्योंकि एक बहुत अच्छा दोस्त जो होता है वो अगर आपसे 100 बार भी रूठता है, वो एक बिल्कुल ऐसी माला की तरह होता है कि अगर वो जितनी बार भी टूटे तो आप उसको जोड़ लेते हैं। हाँ। उसकी तमाम खामियों को, खूबियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लेकिन है कि मेरे साथ तो खैर ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा हर एक के साथ पॉजिटिव रहती। क्या बात है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ अक्सर लोग इस तरह कर जाते हैं कि या तो गाड़ी ले जाती हैं और खाली पेट्रोल करके उसको वापस कर देती हैं, और या फिर अगर उनसे अमाउंट लेते हैं, बिग अमाउंट लेते हैं, उसे तोड़ के देते हैं। क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया है, इसका मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। और प्लीज मैं आपके गिफ्ट का जो है वो करूंगी कि आप जरूर मुझे गिफ्ट की, क्योंकि वैसे ही मेरा मोबाइल आजकल खराब हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि ये गिफ्ट मुझे मिले। क्यूट, बस फिर हमारी कोशिश भी होगी और अल्लाह चाहेंगे। और मैं आपकी गेस्ट से बात करना चाहूंगी, बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे बात करूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं संगीता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये यकीन नहीं हो रहा, और मैं अपने आप को चुटकियां काट रही हूँ कि आपसे बात हो रही है। बहुत अच्छी लग रही है। अभी आप पिछले दिन ड्रामे में आई थी, बहुत अच्छी भाभी बनी हुई थी। अच्छा। चौधरी साहब की, तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको देखकर, आपकी एक्टिंग, आपका जो बोलने का स्टाइल है वो बिल्कुल लग रहा था कि आप बड़ी से बड़ी अदाकारा को जो है ना वो बीट करके
क्या रह जाती हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कितनी प्यारी प्यारी बातें, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल होते। तीन माशाल्लाह बेटियाँ, टीना, मिशेल, आशी, उसको आप लोग ज्यादातर आशी बोलते हैं ना सब लोग? जी आशी। हाँ तो आशी तो ठीक है, आशी सही है ना। तो सबसे ज्यादा लाडली कौन सी है? मिशेल। मिशेल क्यों, वो ऐसा क्या करती है जो बाकी नहीं करती है? बाबू जरा सी कोई बात भी फौरन आंसू निकल आते हैं उसके। अच्छा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी तो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा फील करती है छोटी छोटी बातें, गुस्सा आपको भी आता है, मगर आप बिल्कुल ठीक हो जाती हैं गुस्से के बाद। हाँ। वो कैसे, ये क्या मैजिक है भाई, हमें भी सिखा देना। बस वक्ती गुस्सा होता है, वक्ती गुस्सा होता है, ये नहीं कि दिल में रख लिया और गुस्सा चढ़ा वहीं पर निकाल जो बोल देता है, या तो फिर वो खत्म हो जाता है गुस्सा, ऐसा ही कुछ है ना। अच्छा आप जरा बताए ना मुझे कि आपकी एल्बम है जो नई वाली आ रही है, ये इस सोचे जरा सोचे, आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्टली, ये तो एक रियलिटी सॉन्ग है, ये क्या वीडियो मैंने किया भी और वो बड़े यही पसंद की जा रही है, रियलिटी सॉन्ग है, तो ऑनियर नहीं है वीडियो? हाँ हो गई है ऑनियर। हाँ। तो ये है कि इसमें यंग जनरेशन को अच्छा एक पैगाम है, एक हिम्मत का ना। हाँ। कि अब अगर हमारे यंगस्टर्स उठते हैं तो हाँ। तब भी इस मुल्क की तकदीर जो है ना वो बदली जा सकती है। अच्छा उसमें एक मैसेज है, एक पॉजिटिव वे में ना, ठीक है पॉजिटिव, तो वो काफ़ी यानी कि पसंद किया जा रहा है। और इसके अलावा नई एल्बम पे मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन वो गजलों का एल्बम है। तो आपका एल्बम का थोड़ा सा क्लिप ना हम चला के थोड़ा सा दिखाएं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, प्लीज। तो टेक अ पैकेज लुक एक वीडियो का प्लीज। पहले तो वो है, मेरे वतन तुझे हर आंच से बचाना है, तेरे ही दम से मेरा ख्वाब हर सुहाना है, उठेगी तेरी तरफ जो निगाह झुका देंगे, हम एक हैं दुश्मन को ये बता देंगे। फिजा